Hi guys, I am Priyanka and welcome to my new vlog. So, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं हूँ इस समय अपने जयपुर वाले घर में और वैसे तो आजकल सभी लोग अपने अपने घरों में हैं. तो जो आज का व्लॉग है ना वो है कुकिंग व्लॉग. आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी रेसिपी जो कि बैचलर्स के लिए है जिनको ना कुकिंग करनी आती भी नहीं है और जिनको कोई शौक भी नहीं है कुकिंग का. सो आज दिखाने वाली हूँ मैं सबका पसंदीदा पनीर बटर मसाला, वो भी सिर्फ 5 मिनट में. सो गाइज, ये पनीर बटर मसाला की रेसिपी एकदम शॉर्टकट है बट स्वाद आपको ना एकदम रेस्टोरेंट वाला ही आएगा. वैसे इसमें ना तो आपको टमाटर काटने की ज़रूरत है और ना ही प्याज भूनने की, क्योंकि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं सब रेडीमेड इंग्रेडिएंट. सो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको लगेंगे भाई ऑब्वियस सी बात है बटर, पनीर, गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, हनी, टमेटो प्यूरी एंड क्रीम. तो चलिए आप शुरू करते हैं. सो इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है प्रेस्टीज का हैवी बॉटम पैन और इस पैन की जो खासियत है वो ये कि इसके अंदर ग्रेनाइट कोटिंग की हुई है जिसकी वजह से इसके अंदर खाना बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है एंड इट्स ईजी टू वॉश. तो चलिए सबसे पहले डालते हैं ये बटर. ओ इतना ज़्यादा बटर डालेंगे उतना ही मज़ा आएगा. अब इसको थोड़ा सा पिघलने देते हैं. ओके, इसके बाद आप इसमें डालिएगा ये कसूरी मेथी. इसको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद अब आप इसमें डालिएगा ये कश्मीरी लाल मिर्च. वैसे स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना पसंद हो. मैं बस इतना ही डालूँगी. और अब आप इसमें डालिएगा ये गार्लिक पेस्ट. एक बात ध्यान रखिएगा ये जिंजर गार्लिक नहीं है, ये सिर्फ गार्लिक पेस्ट है. चलिए अब इसको सॉटे करते हैं ज़रा बढ़िया तरीके से. ओके, सो इसको सॉटे करने के बाद अब आप डालेंगे इसके अंदर ये टमेटो प्यूरे. ओके, सो गाइस इस टमेटो प्यूरी को आपको इतना भूनना है जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता. बीच बीच में चलाते रहिएगा. वैसे जब तक ये भुन रहा है आप मुझे ये बताना कि आप लोगों ने ऐसी कौन सी रेसिपी बनाई है जो कि 5 मिनट के अंदर आपने तैयार कर दी हो और जो कि बहुत ही माउथ वाटरिंग हो. सो 2 मिनट इस ग्रेवी को पकाने के बाद अब देखते हैं इसके क्या हाल है. ओके, सो ये देख रहे हैं आप कैसे ग्रेवी में से ये ऑयल अलग हो गया है. ये देखिए अब ना इस ग्रेवी के अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार ये सॉल्ट. मैंने यहाँ 2 चम्मच सॉल्ट डाला है और क्योंकि भाई टमाटो की जो प्यूरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टैंगी होती है सो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हनी. अब आई बारी ये हनी की. हनी एक्चुअली पता है क्या करता है, जो टैंगीनेस है उसको काटता है प्लस इस ग्रेवी के अंदर ना बहुत ही स्वीट सा स्वाद भी ऐड कर देता है. वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. वैसे यहाँ गार्डन में कुकिंग करने में ना मज़ा बहुत आ रहा है. सो हनी तो डल गई है, अब ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी. अब इस पनीर बटर मसाला में मैं डालूंगी मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है कि कोहिनूर का गरम मसाला. तो यहाँ गया कोहिनूर का गरम मसाला, थोड़ा सा ही डालना है. दैट्स इट, इसको चलाते हैं. ओके, वाओ इट स्मेल्स सो गुड. नाउ आई विल बी एडिंग लिटिल बिट ऑफ क्रीम. क्रीम डालते ही ना जल्दी से इसको चलाया करिए नहीं तो ये कड़ल हो जाएगी. एंड फाइनली इट्स टाइम टू ऐड पनीर. ऑल राइट, मैं इसको गार्निश कर देती हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ एंड लिटिल बिट ऑफ बटर.
सो गाइस ये हो गया तैयार पनीर बटर मसाला. जस्ट हैव अ लुक. क्यों लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल. आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी. आई होप आप लोगों को मेरा ये रेसिपी व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको और रेसिपी वीडियोस देखने हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग.